हेलो फ्रेंड्स, मैं इला शर्मा अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। बारिश की झड़ी लगी थी और आपको पता है काफ़ी बारिश जब होती है 24 घंटे लगातार तो मौसम कैसा धुला पूछा हो जाता है। आपका बगीचा भी जैसे मतलब पानी के लिए पौधे तरस रहे थे। हम जो पानी देते हैं उनसे उनको अच्छा तो लगता है लेकिन जब बारिश का पानी मिलता है उससे वो बहुत खुश होते हैं। तो आइए आप लोगों की फरमाइश पे आज मेरे गार्डन का ओवरव्यू और आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और आप देखते हैं लाइक भी करते हैं। फ्रेंड्स आपसे गुजारिश है सब्सक्राइब भी करें। तो आइए शुरू करते हैं मेरे गार्डन का एक छोटा सा राउंड। फ्रेंड्स ये मेरे फाइकस का बहुत करीब 30 साल पुराना पेड़ है और इसकी मैंने टोपियरी बनाई है। अपने हाथ से कटिंग कर रहे हैं और फिर भी अब देखिए बारिश में ये एक बार फिर से कटिंग करने जैसा हो गया। मैं इसमें फुटाव आने लगे और इसके ऊपर ये बास्केट टर्टल वाइन की बहुत खूबसूरत लगती है। चाहे गमले में लगाएं चाहे आप बास्केट बनाए इसकी, इट लुक्स ऑसम। पूरी बास्केट ऐसे गोल भर जाती है। अभी और भी नीचे तक ये लटक के आ जाएगा, सुंदर लगेगी। और इसके पीछे ये देखिए एक लीफा लगा है, रंग इसका बहुत खूबसूरत हो जाते हैं जब धूप निकलती है, पत्ते लाल से हो जाते हैं इसके। और देखिए इसमें ये फ्लावरिंग भी होने लग गई है। अब दोस्तों पता प्रॉब्लम क्या है, जगह की कमी है, शौक बहुत ज्यादा है। तो जो पौधे हैं वो बहुत पास पास करके रखे हुए हैं। आशा है आपको दिखा सकूंगी मैं। इसके पीछे ये छोटा सा एक अम्ब्रेला पाम, और अम्ब्रेला पाम के पीछे रोजमेरी है। दोस्तों ये देखिए ये रोजमेरी। और फ्रेंड्स इसके ऊपर आप ये जो बेल देख रहे हैं ना पत्ते वाली, ये है पैसिफ्लोरा, जिसको हम लोग कहते हैं राखी बेल भी बोलते हैं। ये ऊपर तक जा रही है और उसके संग में जो आप वो देख रहे हैं ये कैक्टस टाइप का लंबा जाता हुआ, वो है ड्रैगन फ्रूट। वो खूब ऊपर तक चला गया है, उधर पीछे भी लहरा रहा है। अभी तक इसमें 2 साल हो गए हैं, फूल आए नहीं है। मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ फूलों का। और अगर इस तरफ कैमरा घुमाते हैं तो अगेन एक ये टर्टल वाइन फिर है, बहुत अच्छे लगते हैं ये बास्केट सिलेक्टे हुए। और ऊपर ही ऊपर चलते हैं तो ये दूसरा है यहाँ पे बास्केट। और बास्केट के नीचे ये देखिए फायर क्रैकर, बहुत प्यारा लगता है। और मेरे सारे पौधे दोस्तों 10 इंच के ही गमले में लगे हुए हैं, दिस इज फायर क्रैकर। इधर आप अगर आगे आते हैं तो आगे आ जाइए थोड़ा सा। ये देखिए पीछे पोर्टुलाका के डिफरेंट शेड्स हैं, जो बारिश की मोटी मोटी बूंदों से फूल भी बेचारे बिल्कुल लेट से गए हैं। और इधर ये रेन लिलीज हैं, बड़े गमलों में लगी थी, मैंने ये सारे छोटे गमलों में ट्रांसफर कर दिए हैं, खिल रही हैं इस समय। और उसके पीछे वो आप देख रहे वीड है, बटरफ्लाई वीड का पौधा है ये। इस पे मैंने कटिंग लगा के तैयार किया हुआ है क्योंकि दोस्तों इस मौसम में कटिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं। ये येलो धतूरा की कटिंग लगाई हुई है आगे, ये देखिए। और ये भी पीच कलर की रेन लिलीज हैं, इनको भी मैंने परसों ही सेग्रीगेट किया था, बल्ब्स को बहुत भर गए थे उसमें तो मैंने अलग अलग पॉट्स में इनको लगा दिया है। नीचे आप ये जो देख रहे हैं ये अपराजिता का पौधा है, छोटे गमले में लगा है, बड़े में करना है मुझे इसे, और फूल इसमें आने लग गए हैं वैसे तो। और ये डबल वाली अपराजिता है, शंख पुष्पी जिसको कहते हैं। इसको जगह अभी ढूंढी नहीं है कहाँ पे चढ़ाऊं, इसलिए बेचारी यहाँ पे ऐसे रखी हुई है। आइए आगे ये देखिए दिस इज ग्लोरियोसा, बहुत खूबसूरत फूल आते हैं ग्लोरियोसा। इसके बल्ब होते हैं और ये भी 10 इंच के पौधे में लगे, गमले में लगे।
इसके आगे पूरी रो में ये मेरे बोगनविलास लगे हैं जिनकी मैंने कटिंग कर दी है और खाद वगैरह भी फिर से डाल दी है, जिससे कि बारिश खत्म होने के बाद सितंबर ऑनवर्ड्स इसमें ये फिर से फूलों से भर जाएगा। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि बारिश यही एक सही टाइम है, आप इसकी अगर फूलिंग कर देते हैं तो इसमें फुटाव बहुत अच्छे आएंगे और फूल भी आपके बहुत अच्छे आएंगे। ये देखिए, ये पौधा है गुड़हल का, वेरीगेटेड, लाल रंग के खूबसूरत फूल आते हैं इसमें। और अगर इस तरफ दिखा दें तो ये शमी है, खूब अच्छा फूल रहा है, पर ये ना फूल देखिए कैसे हो गए बारिश में सारे, ये देखिए बेचारे, ये खिलने पर भी हैं, ये देखिए। ये रोज कैक्टस का पौधा है फ्रेंड्स, और इसमें भी अभी ये फ्लावरिंग होके ही चुकी है। इधर ये सारे मेरे एडेनियम्स लगे हैं, और एक बात आपसे कहना चाहूंगी दोस्तों कि बारिशों के बाद जब आप कभी भी अपने बगीचे में आए, ये तो अभी खिल रहे हैं फूल, लेकिन कई बार ऐसा होता है, ये देखिए खिले हुए फूल सूखे हुए से इस तरह से अटके रह जाते हैं, तो आप इनको जरूर हटा दीजिए, नहीं तो क्या होगा कि इसी में फंगस लग जाती है और फिर वो अंदर क्रीप करने लगती है और आपका पौधा खराब करती है। तो बारिशों के बाद अपने बगीचे में आके इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि खिले हुए जो आपके फूल होते हैं, वो जो खिल चुके हैं उनकी आप डेड हेडिंग जरूर कर दीजिए। ओहो, ये देखिए, ये सीड पॉट था, खिल गया और बारिश की वजह से इसके बीज इसी में फंस के रह गए हैं। पता नहीं अब लगाऊंगी तो निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे इसमें से, एनीवेज कोई बात नहीं। ये इस तरह से इनको निकाल देते हैं सारा, पत्तियां ये पीली पड़ गई हैं तो इनको भी हम निकाल देंगे, ये इस तरह से सबको, और लगातार वो लाइन आ रही है मेरे पीछे जो बोगनविला इधर लगा दिए हैं सारे रेलिंग की तरफ, और ये जब बढ़ेंगे तो ये रेलिंग तो उस तरफ नीचे को झुक जाएंगे, जिससे कि जब फूल की छटा होगी तो नीचे से मुझे अपनी बालकनी से देखने को मिलेगी और जो बहुत अच्छी लगेगी। फिर ये देखिए, मैंने इस समय सब पूरी हार्ड प्रूनिंग इनकी कर दी है। फ्रेंड्स, बारिश में अपने एडेनियम का बहुत ध्यान रखिएगा, स्पेशली जो आपके पुराने हैं, अगर आपकी सॉइल ठीक नहीं है तो उनको पानी से जरूर बचाइएगा, उनमें कहीं पानी जमा ना होने पाए। ये भी मेरा करीब 25-30 साल पुराना होगा। फ्रेंड्स, मुझे एडेनियम का इतना शौक है ना कि बस मतलब एक हार्डी है, डिमांडिंग नहीं है, इजी टू मेंटेन है, तो मैं मुझे लगता है जैसे बोगनविला है, गुड़हल है, रोज है, एडेनियम्स हैं, ये सब अगर बगीचे में है तो आपके फूलों की बहार आपके बगीचे में बनी ही रहती है। जो पेरिनियल फ्लावर्स है, जैसे कि मैं भी आपको और आगे दिखाऊंगी, सावनी है, कनेर है, तो आपके बगीचे में फूल हर टाइम कोई ना कोई खिलता ही रहता है। तो ये देखिए, वो तो बड़े थे एडेनियम्स, ये थोड़े छोटे वाले हैं, इनमें भी फूल आ रहे हैं, कलियां भी आ रही हैं। और जो मैंने एडेनियम्स की अभी पौध बनाई थी, उस दिन आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, सीड्स सो किए थे हम लोगों ने, तो वो बारिश की वजह से अंदर रखे हुए हैं, वो भी निकल आए हैं सारे। और इधर घूमते हैं अगेन, ब्यूटीफुल टर्टल वाइन। खूबसूरती इसकी ये है कि ये देखिए ना, हरे भी हैं और धूप में खूब हो जाते हैं तो पर्पल हो जाते हैं। ये पीछे मकान बन रहा है तो इसकी भी रौनक लगी रहती है, बच्चे बच्चे हैं यहाँ पे। ये देखिए एस्परेगस, ये गमले में लगा है 6 इंच के, और इसको अगर आप बास्केट में लगा देते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। आप ये जो देख रहे हैं, ये मेरे पुराने फ्रिज की आइस ट्रे है, तो इसको मैंने रिसाइकल किया है और इसमें मैंने ये मॉर्निंग ग्लोरी लगा दी है, और मॉर्निंग ग्लोरी के संग में ये आप जो देख रहे हैं इंच प्लांट, ये एक गमले में
बहुत ज्यादा फैलने लगा था तो मैंने इसी में रख दिया। और आपको तो इंच प्लांट की खूबी पता है दोस्तों, आप कहीं भी इसको रख देंगे तो बेचारा जड़ पकड़ ही लेता है। कुछ पौधे इतने प्यारे होते हैं ना कि आप वो कुछ भी नहीं मांगते हैं और अपने आप अपने जगह ढूंढ लेते हैं और अपने को एडजस्ट कर लेते हैं। इसके आगे अगर बढ़ते हैं हम लोग तो ये सावनी व्हाइट कलर की, इतने डेलिकेट फ्लावर्स हैं। इसके टहनियां देखिए कैसी हल्की सी हैं कि ये पानी के बोझ से झुकी जा रही हैं और फूल झड़ भी गए हैं नीचे। बहुत प्यारे लगते हैं बर्फ की तरह से सफेद फूल, बिल्कुल रुई के गाने जैसे। और इसके साथ में ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये कनेर का है, इसमें ये मैं सड़क से ऐसे ही एक टहनी तोड़ के लाई थी और खूब अच्छे इसमें ये फूल खिलते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं बंचेस में ऊपर जब निकलते हैं। खूब कलियां भी आ रही हैं, यहाँ भी हैं कलियां और आगे मैं आपको दिखाऊं तो ये सब भी उधर, ये देखिए कलियां खूब, ये सब इसमें कलियां सवेरे जब आती हैं ऊपर इस समय खूब खिल जाते हैं। और इसके आगे ये सारे मेरे रोजेस लगे हुए हैं, ज्यादा नहीं है जितने भी हैं, ये सब गुलाब आगे लगा हुआ है। और ये वाला जो दोस्तों है ये मिनिएचर है रटल वाइन की, दोस्तों हम बात कर रहे थे, ये देखिए गमले में कितना खूबसूरत पूरा कैसे भर के एकदम परफेक्ट राउंड अपने आप इसने अपने आप को बना लिया है। अडेनियम के आगे जो गमले लगे हैं आइए उनसे मुलाकात करते हैं। ये एक और कनेर का है, पिंक है ये, इसमें अभी ना बर्ड्स आए हैं ना फ्लावर्स, तो कहाँ से आएंगे जब बडिंग ही नहीं हुई है। मुझे इसमें भी इंतजार है फूलों का, निकलेंगे देर से देर से। इसके नीचे ये यूफोबिया मिली व्हाइट कलर की है, खूब अच्छे फूल खिले हुए थे, अभी फिर से मैं देख रही हूँ इसमें फिर से बर्ड्स आने लगी है। और इसके आगे और आ जाए तो ये मैंने रजनीगंधा की पॉटिंग करी थी, रिपॉटिंग आपको गमला वो दिखाया भी था वीडियो में, सो दिस इज रजनीगंधा। इसके पीछे जो आप ये वेरीगेटेड देख रहे हैं दोस्तों ये वाला, दिस इज एसेस्टेसिया, और इसमें बहुत खूबसूरत फूल निकलते हैं, बहुत खूबसूरत पर्पल कलर के मूव कलर के बहुत प्यारे फूल निकलते हैं। एसेस्टेसिया का ये प्लांट है और मैंने ये देखे तो दो दिन पहले इसकी थोड़ी सी कटिंग भी लगाई है, मुझे लगता है ये लग ही गई हैं। और इस मौसम में आपको पता है कि कटिंग्स बहुत जल्दी लग जाती हैं, जड़ें निकल आती हैं उसमें। पीछे आप ये जो देख रहे हैं ये रबर प्लांट की है, एक सेशन हुआ था उसमें प्रोपोगेशन के बारे में बताया था तो मैंने कटिंग बची थी इसमें लगा दी। कटिंग्स हमेशा फ्रेंड्स इस तरह से आपको पास पास लगानी चाहिए। और ये आप देख रहे हैं गमला बारिश में ही रखा हुआ है, मैंने कोई प्रिकॉशन लिया नहीं है कि मैं इसको अंदर रखूं क्योंकि सॉइल ऐसी है जिसमें पानी टिकता नहीं है बिल्कुल, सो आई लेट इट बी हियर ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ। ये जो आप ग्रीन फॉलिएज प्लांट देख रहे हैं ये वाला, ये पेपरोनिया है, बिल्कुल पुदीने जैसी इसकी पत्तियां होती हैं। पूरा गमला भर जाता है इस तरीके से, बहुत खूबसूरत लगता है। आप चाहें तो इसकी बास्केट भी बना सकते हैं, इसकी भी कटिंग्स बहुत आसानी से लग जाती है। पेपरोनिया और इसके आगे मैंने अभी ये गमला वापस सरका दिया, मिराबिलिस, ये गुलबख्शी भी इसको कहते हैं और ये शाम को खिलते हैं, भीनी भीनी सी सुगंध आती है। ये येलो कलर के हैं, उधर अभी खिले नहीं हैं, पिंक में भी हैं और कॉम्बिनेशन में भी हैं। ये खूबसूरत पत्ते फुटबॉल लिली के हैं फ्रेंड्स, और फॉलिएज इतना अच्छा लगता है कि मैं चलने देती हूँ इनको और थोड़ा सा और जब बारिशें ख़त्म हो जाएंगी तब इसको हम बल्ब निकाल के सेफली रख लेंगे। दोस्तों इस तरफ आते हैं तो ये आगे हल्दी लगी है सारी,
ये तीन गमलों में हल्दी लगी है। इसके पीछे आप पहचान ही गए होंगे खूबसूरत कैलेडियम, ये देखिए। और कैलेडियम के पीछे ये अरबी, खूब पत्ते काट के, इस मौसम तो इतना बढ़िया है पतौड़ के लिए, खूब इसकी सब्जी और पतौड़ बनते रहते हैं। और ये जो आप बड़ा वाला देख रहे हैं ये हर सिंगार का है, अच्छी पड़वार इसने भी पकड़ ली है। और इसके पीछे अगर मैं जाऊं तो ये मेरी बास्केट्स हैं, ये है वूली प्लांट एंड दिस इज स्वीट पोटैटो वाइन, पर्पल कलर वाली, ये देखिए खूब बड़े बड़े ये भी हो गए हैं। और इसमें ये जो उधर से आ रहा था मेरा पैसिफ्लोरा, ये वो है। और इसके संग में ये जो दूसरा आप देख रहे हैं, आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि नहीं, ये जो वाइन लगी है दोस्तों, ये वाली दिस इज ब्लैक आई सूजन। और ऊपर आप ये जो बास्केट देख रहे हैं, ये जैसे मैंने आपको उसमें पॉट में दिखाया था एस्परेगस, बड़ा अच्छा बास्केट में भी इसका फॉल आता है। तो अगर आप अपने गार्डन में इस तरह से स्टेप वाइज फॉर्मेशन करेंगे दोस्तों, तो पूरा एक अच्छा लगता है। ये बीच में थोड़ा बड़ा है, पर अदरवाइज स्टेप वाइज फॉर्मेशन में आपकी तीन चार रोज तो आराम से बन ही जाती हैं। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो ये केला लिली का था, निकाला नहीं मैंने अभी तक, क्योंकि इसकी पत्तियों की खूबसूरती इतनी ज्यादा है, तो फुटबॉल लिली की तरह मैंने इसको अभी रहने दिया है। और एक ही मैंने आपको अगर मैं दिखाऊं, ये नया लगाया था मैंने पौधा, बल्ब है कोई, मुझे नाम इसका नहीं पता दोस्तों, पर पत्तियां इतनी, क्या इसकी पत्तियों की फॉर्मेशन है, डिजाइन है, सहसा मन को लुभा लेती हैं। मुझे नाम नहीं याद पड़ रहा है, बल्ब लेकर आए थे हम। दिस अगेन इज येलो धतूरा, खूब इसमें भी बड़ा हो गया और खूब अच्छे फूल इसमें इकट्ठे जब निकलते हैं बहुत खूबसूरत लगता है। और ये जो आप देख रहे हैं ना चढ़ता चला जा रहा है, दिस इज एलमेंडा एक्चुअली, और इसमें अभी तक भी मेरे एलमेंडा में फूल नहीं आए हैं। मैं सीढ़ी पर चढ़ के दिखाती हूँ आपको, ये ऊपर तक चला गया है, ये देखिए यहाँ ये बांधना पड़ा मुझे यहाँ पे, ये ऊपर तक इस तरह से चला गया। और ये देखिए ये, और इसके संग में ये आ रहा है आपका हटजोड़, ये सारा ऑल दिस इज ऊपर, ये हटजोड़ एंड गिलोय, ये दोनों एक संग में आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं लटकते हुए। जब ये वाइन्स दोस्तों लटकती है ना तो बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैंने जगह जगह वाइन्स लगाई हुई है। ये देखिए इसकी ब्यूटी, अगेन बीट वो स्वीट पोटैटो वाइन, और स्वीट पोटैटो वाइन के ऊपर अगर आप वो पेड़ दिखा सक रहे हैं उसमें जो लगा हुआ है, अगेन दैट इज मिल्कवीड बटरफ्लाई प्लांट। तो जब आप एक गमले में ना लंबा एक पेड़ लगाते हैं, उसके संग ट्रेनिंग प्लांट लगाते हैं, तो वो भर के जब ऐसे निकलता है तो बहुत खूबसूरत लगता है दोस्तों, ट्राई करके देखिएगा। अगेन जीने पे मैंने ये रखा हुआ है, ये फिर से इंच प्लांट है। ग्रीनरी जितनी भी कम हो उतनी आंखों को, जितनी ज्यादा हो सॉरी उतनी आंखों को कम ही लगती है। ये चंपा का है मेरा पेड़, जिसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, बहुत पुराना पेड़ है दोस्तों, और मैंने इसकी मिट्टी निकाल के आधी से ज्यादा, क्योंकि बड़े गमले में लगा हूँ, मैं आपको पीछे से दिखाऊंगी इसको किस तरह से है इसकी फॉर्मेशन, तो उसमें प्रूनिंग काफी हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल कर दी थी। अब ये नई फॉलिएज निकल के आई है, फूल इस साल इसमें अभी नहीं आए हैं। और आप ये जो सुंदर क्रीपर देख रहे हैं, ये वाली जो अपने बरसात में अपना ये बढ़ाती चली जा रही है, ये है विस्टीरिया की, बहुत शौक से हम लाए हैं इसको देहरादून से, कि विस्टीरिया का फूल मुझे बेहद बहुत पसंद आए, होप कि कभी इसमें फूल निकले तो इसको लाना मेरा सफल हो जाएगा।
और इसके साइड में आप ये देख रहे हैं क्लेमेटिस लगा है, कलियां अभी भी इनमें आ रही हैं थोड़ी थोड़ी, क्योंकि जो भी जैसे ये डेड हो जाता है इसको काट नहीं पाए हैं हम, ये हमेशा हम निकाल देते हैं, तो इसको निकालते रहने से आपकी नई बड्स आती रहती है निरंतर। ये फूल भी देखिए खिल रहे हैं, इसके साथ में ये श्रिंक फ्लावर लगा है, बराबर इस बुश में फूल निकलते रहे हैं और अभी भी निकल रहे हैं, थोड़ा सा इस समय कमी आ गई है, ये फूल अभी भी इसमें आ ही रहे हैं, पूरा भरा रहता था इधर, ये कलर का क्रिम्सन कलर के फ्लावर्स, यहाँ पे व्हाइट कलर कलर, वहां पे ग्रीन, बड़ा अच्छा एक ये नजारा सा रहता है यहाँ पे। और इसके नीचे मैंने देखिए लिली लगाई हुई है, इस पे लिली के गमले रखे हुए हैं, तो ये पूरा एक ऊपर ये और ये, फिर ये एक फॉल सा बन गया है, एक आपकी फॉल या वॉल कुछ भी बोले वो बन गया है, और फिर ये कॉर्नर आपका पूरा ग्रीन कॉर्नर सा लगने लगता है और बहुत खूबसूरत लगता है। ये फ्रेंड्स एरांथमम है, इसके भी पत्ते लाल काले बहुत अच्छे देखने में बरगंडी कलर के, गिव्स अ ब्यूटीफुल व्यू। बड़े गमले में था ये भी, मैंने कटिंग से छोटे गमले में तैयार किया है। और इसके बगल में भी इंच प्लांट ही है, लेकिन ये थोड़ी फर्क वैरायटी है, पानी में भी ये बहुत अच्छा हो जाता है। ये मैं भीमताल से लाई थी अपनी फ्रेंड के यहाँ से। और इसके पीछे आप ये देख रहे हैं, ये मैंने जान करके यहाँ पे ड्रम रखा हुआ है कि जितने भी ये पौधे लगे हैं इनकी जो सूखी पत्तियां जैसे चलते चलते हम तोड़ लेते हैं, सो आई जस्ट ओपन द लिड एंड पुट इट इन दिस। और इस समय मैंने इसमें एक शीट लगा दी है जिससे कि पानी इसके अंदर ना जाए, नहीं तो बहुत सौगी हो जाते हैं और दिक्कत होती है। तो ये जो सूखे पत्ते होते हैं ना दोस्तों, ये जब क्योंकि मेरी सारी अधिकतर टेरेस गार्डन और कंटेनर गार्डनिंग है, तो मैं क्या करती हूँ कि जब हम लोग पॉट भरते हैं नए पौधा लगाने के लिए, तो ठीकरे के ऊपर उसमें इसमें से निकाल के, अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, ये देखिए इस तरह से ये लीव्स, खाली पत्तियां पत्तियां हैं, छोटी मोटी टहनियां होंगी तो होंगी, तो इसको फिर हम ठीकरे के ऊपर डालते हैं और उसके ऊपर हम सॉइल डालते हैं। तो सॉइल मिक्सचर भी, क्योंकि पौधों को पानी वगैरह सब पड़ता ही रहता है तो बहुत लाइट रहता है, और इससे भी आपके छत के ऊपर वजन ज्यादा नहीं हो पाता है। सो आप भी अगर चाहें तो आप इस तरह का रख सकते हैं, नहीं तो आप गमलों में रख सकते हैं ये पत्ते, और उन्हीं गमलों में आप अपने पौधे लगा सकते हैं, और तब आप अपने पौधों की पैदावार देखिएगा कितनी खूबसूरत होती है। उसमें थोड़ा सा बस वर्मी कंपोस्ट या घर का कंपोस्ट डाल दें और किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। तो Try and do this in your garden. दोस्तों छत पे जगह कम होने से कहीं ना कहीं तो गमले एडजस्ट करने ही पड़ते हैं, तो ये तो मेरी एक टेरेस है जो आप देख पा रहे हैं इस समय। इस तरह मेरे पास तीन टेरेस हैं और आगे भी है पीछे भी है, भरे पड़े हैं गमले, तो मैंने बीच में एक छोटा सा ये आइलैंड बनाने की कोशिश की है जहाँ मैं और गमलों को जगह दे सकूँ अपने। तो ये बीच में अगेन इट्स अ मिनिएचर रोज, और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे बगीचे में परेनियल बुशेस है, ये हमेलिया की है, फ्लावरिंग हो रही है आप देख रहे हैं इसमें खूबसूरत, अच्छे बड़े बड़े फूल थे, इस समय थोड़े से ये छोटे अभी खिलने शुरू हुए हैं। और फिर वो अगर स्टेपिंग पे आते हैं तो नीचे ये पूरी जरबेरा की रो है यहाँ से यहाँ तक पूरी। फ्रेंड्स ये मेरा एक बहुत फेवरेट प्लांट है, और इसके फूल आप देखिए कितने प्यारे लगते हैं, ये देखिए पूरी ये पतली पतली टहनियों में ना बारिश में सब वो हो गए हैं, भर के पूरी पूरी टहनियों में लंबे लंबे ऐसे मोव कलर के। और ये है उसकी वैरायटी, ड्यूरेंटा की वैरायटी है एक फ्लावरिंग, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। इसके पीछे ये एक आपको पता है गुड़हल का है, हिबिस्कस है, हिबिस्कस थोड़े उधर भी रखे थे रोजेस के पीछे। सो दिस इज, और इधर अगर आप देख सकते हैं तो इधर ये मेरी एक आयरिस का प्लांट है, सब मेरे इधर ही रखे हुए हैं अधिकतर, क्योंकि नीचे मैंने आपको बताया ना ये साउथ की जो दीवार थी मेरी पहले,
उसमें ओपन था वो साइड, अब वहां पे वो मकान बन गया है 4 मंजिल का, तो उधर बिल्कुल भी अब धूप नहीं आती है मेरे घर में, छत पे सॉरी। तो अब मेरे पास जगह भी कम हो गई है धूप की वजह से, जो पौधे धूप के मेरे पहले उधर रखे रहते थे उनको मुझे शिफ्ट करना पड़ा है। तो ये कुछ रेस्ट्रेंस हैं बड़े शहरों में रहने के, क्या करें, जगह की तंगी हो जाती है, धूप की कमी हो जाती है, तो पौधों को उस तरह से हमें एडजस्ट करना पड़ता है। आपको भी कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकता है फेस करनी पड़े, क्योंकि आजकल बालकनी और टेरेस गार्डन का ही वो है, ज्यादातर लोगों के पास कंटेनर गार्डन है। सो दिस इज माई स्मॉल गार्डन दोस्तों, आशा है आपको पसंद आया होगा। अगेन प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के संग जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि हो सकता है उनको भी देखकर शौक चढ़े और वो भी गमले लेकर आए अपनी बैल्कनी और एयर स्पेस जो है, बास्केट्स जो है, अगर वो कहे मेरे पास गमले रखने की जगह नहीं है, तो एयर स्पेस होती है सबके घरों में, बास्केट्स जरूर लगाएं, उसमें जैसे सब्जियां वगैरह भी लग सकती हैं, वो मैं फिर कभी चर्चा करूंगी। तो